नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बंगाल राइडर। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ वो लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बगल का बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको मिल सके मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS4 मॉडल, जो कि अभी नया आया है। BS4 मॉडल, पहले BS3 मॉडल आता था। तो पहले जो BS3 मॉडल आता था दोस्तों, तो उसमें कुछ इंजन के इश्यूज थे। तो अभी जो BS4 मॉडल आ रहा है, उसमें रॉयल एनफील्ड ने जो भी कुछ इश्यूज था सब कुछ रेक्टिफाई करके, सब कुछ बिल्कुल सही करके आपके सामने ये प्रेजेंट किया है। दोस्तों, ये जो बाइक आप देख रहे हैं, ये सबसे अफोर्डेबल ऑफ रोडर मशीन आप कह सकते हैं इंडियन मार्केट में इस टाइम पे, क्योंकि बाकी जो भी सारे ऑफ रोडर्स हैं, आप चाहे वो ट्रायम्फ की ले लीजिए, टाइगर या फिर बेनेली की, तो सब कुछ उन सभी बाइक्स के जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। वो समझ लीजिए कि 5-6 लाख से शुरू ही होता है, जबकि इस बाइक का विद इन 2 लाख आपको इस बाइक मिल जाएगा। दोस्तों, आप कंप्लीट बाइक को देख लीजिए, एक टूरिंग मशीन आप इसे कह सकते हैं। इसके जो पैनियर माउंट्स है, इसके जो लगेज माउंट्स हो, आप देख सकते हैं किसी भी एंगल से। ये टिपिकल रॉयल एनफील्ड के जो बाइक्स है, जो क्लासिक स्टाइल हमें बाइक्स देखने को मिल जाता है, उससे मिलता जुलता नहीं है। दोस्तों, अगर फ्रंट से शुरू करें तो फ्रंट में आपको एक टॉल विंडशील्ड मिल जाता है, और एक गोल हेडलैम्प मिल जाता है जो कि क्लासिक लुक देता है। और ये जो हेडलैम्प है दोस्तों, ये एक 60x55 वॉट फुल DC H4 बल्ब है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से रोशनी दे देता है। और अगर स्विच गियर की बात करें दोस्तों, तो स्विच गियर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है रॉयल एनफील्ड ने। बहुत ही अच्छी तरह से स्विच गियर दिया गया है, जो बिल्कुल हैंडल बार में ही दिया गया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। और इंजन किल स्विच और मिरर्स, ये भी बहुत ही अच्छा है। मिरर्स आप दोस्तों दूसरे रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये जो हिमालयन का मिरर्स है, ये इसमें उतना वाइब्रेशन का इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर इसका मीटर कंसोल को देखें तो ये बहुत ही अच्छा एक अट्रैक्टिव मीटर कंसोल इसमें दिया गया है। इसमें माइल्स और किलोमीटर्स दोनों में आपको स्पीड मिल जाता है। और एक जो डिजिटल डिस्प्ले है, इसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आपको इसमें एक क्लॉक, टेम्परेचर मीटर, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर्स, एवरेज स्पीड, साइड स्टैंड इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सब कुछ इसमें मिल जाता है। आपको जितना भी इंफॉर्मेशन का ज़रूरत है, उससे कई ज़्यादा आपको इसमें मिल जाता है। आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज स्पीड, और इसमें कितना रेंज है, वो सब कुछ ये आपको दिखा देगा। इसका इल्यूमिनेशन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ये रीडेबल है। और यहाँ पे आपको एक टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर मिल जाता है, नीचे आपको फ्यूल मीटर और कॉम्पस मिल जाता है। कॉम्पस आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आपका अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप मीटर से ही आप डायरेक्शन देख सकते हैं। और नॉर्मल जो सिग्नलिंग इंडिकेटर्स है, जैसे कि न्यूट्रल, हाई बीम, लो बीम और बैटरी इंडिकेटर, सब कुछ दिया जाता है। इसका अगर फ्यूल टैंक को देखें दोस्तों, तो ये फ्यूल टैंक काफ़ी स्लीक फ्यूल टैंक है। और इसका फ्यूल जो लिड है, वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। ये एक 15 लीटर्स का टैंक है। और आप देख सकते हैं बॉडी पैनल्स जो साइड में है, वो भी बहुत ही मिनिमम दिया गया है इस बाइक का वेट को कम करने के लिए। और सामने आप देख सकते हैं, जो कि एक एडवेंचर मोटरसाइकिल में होना चाहिए, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन एंड ड्यूअल मड गार्ड्स, वो इसमें दिया गया है। और इसका टायर्स देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग पैटर्न का टायर्स है। सामने आपको लॉन्ग ट्रैवल 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जिसमें 200 mm का ट्रैवल दिया गया है। और आप अगर टायर्स की बात करें, तो सामने 21 इंच का टायर और पीछे 17 इंच का टायर आपको मिल जाता है स्पोक व्हील्स के साथ। और इसमें आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं, क्योंकि स्पोक व्हील्स है। और अगर दोस्तों ब्रेक्स की बात करें, तो ब्रेक्स आपको सामने 300 mm 2 पिस्टन कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक, और पीछे 240 mm सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और दोस्तों, अगर इसका वेरिएंट्स की बात करें, तो इसमें 2 वेरिएंट्स आता है, एक डुअल चैनल ABS वाला और एक नॉन ABS। मैं आज नॉन ABS वेरिएंट का रिव्यू कर रहा हूँ, ABS मिलते ही मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगा। और दोस्तों, अगर इसका इंजन का बात करें, तो इसका इंजन बहुत ही खास है। इसका इंजन एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 411 cc का इंजन है, जिसका मैक्सिमम पावर है 24.5 bhp एट 6500 rpm। और इसका जो टॉर्क है, वो 32 Nm एट 4250 rpm। तो ये जो इंजन है दोस्तों, ये बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही स्टाइलिश इंजन रॉयल एनफील्ड ने डिज़ाइन किया है खास करके इस बाइक के लिए। और पीछे भी अगर आप देखें, तो आपको LED टेल लैंप्स मिल जाता है। और इसका जो एग्जॉस्ट है दोस्तों, बहुत ही अपलिफ्टेड एग्जॉस्ट है, ताकि आप अगर छोटे से पॉन्ड में या कहीं भी पानी है इस ऐसी जगह पे चलाए, पानी के अंदर चलाए, तो किसी भी तरह से आपके साइलेंसर में पानी घुस के आपके गाड़ी को बंद नहीं होने देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया से यूज़ किया गया। और पीछे का सस्पेंशन की अगर बात करें, तो मोनोशॉक सस्पेंशन इस पहली बार ने रॉयल एनफील्ड किसी बाइक में दिया है। पीछे भी आप देख सकते हैं पैनियर माउंट्स के लिए यहाँ पे स्पेस बनाया हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं
लगेज माउंट के कैरियर्स इसमें दिया गया है ताकि आप बहुत सारे लगेज लेकर आप जा सकते हैं किसी भी रोड पे। लेह लद्दाख ट्रिप किसी भी बाइकर के लिए एक सपने का ट्रिप होता है, एक बहुत ही बढ़िया ट्रिप होता है, ड्रीम ट्रिप होता है, तो उसके लिए ये बाइक बिल्कुल सबसे अप्रोप्रिएट बाइक है मार्केट में। दोस्तों इसका जो अगर वेट का बात करें तो 194 kg है, थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम हो सकता था, लेकिन बाइक ही कुछ ऐसा है। पीछे आप देख सकते हैं कैरियर दिया गया है और इसका जो सीट है दोस्तों वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, सिंगल पीस सीट इसमें दिया गया है, कंफर्ट को किसी भी तरह से आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसका जो फ्रेम है दोस्तों वो ड्यूअल स्टील क्रेडल फ्रेम पर ये जो इसका फ्रेम है बना गया है, जो कि बहुत ही स्टडी है और किसी भी रोड में चलने के लिए बहुत ही ठीक ठाक है। दोस्तों इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही बढ़िया है अपने सेगमेंट में 220 mm, ताकि आपको कभी भी जितना भी लोड हो गाड़ी पर आपको कभी नीचे का जो हिस्सा है वो टकराने का आपको डर ना रहे रोड से। स्प्लिट सीट्स इसमें दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसका अगर एक्सशोरूम कोलकाता में बात करें तो इसका एक्सशोरूम कोलकाता का प्राइस है 1,68,991 rupees। माइलेज ये आपको सिटी में लगभग 25 से लेकर 28 और हाईवे में 30 से लेकर 32 किलोमीटर्स तक दे देगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, और जैसे कि हिमालयन के नेक्स्ट ABS वर्जन मुझे मिलेगा मैं उसका वीडियो भी कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड राइड सेफ। थैंक यू।